गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं अमित कुमार मंदोर जी आज मैं आ पहुँचा हूँ दिग्वासन रोड पर, जो कि न्यू दिल्ली 37 में। यहाँ एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम विजिट कर रहे हैं। यहाँ की मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत पीसफुल है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन से मिलेंगे जो इस ब्यूटीफुल फार्म को, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुली इस यहाँ से वो हार्डवर्क करके लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल वेजिटेबल्स एंड लीव्स के जो रिक्वायरमेंट्स होती है काफ़ी होटल्स में, कैटरिंग्स में, उसकी वो सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, उसकी प्रोडक्शन करके, ग्रोइंग करके। और यहाँ का जो एटमोसफेयर है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हेल्दी है। आप देख सकते हैं कितने सारे मोर यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सर्विस अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने इंटरनेशनल वेजिटेबल्स को आप यहाँ से ऑर्डर करके डोर डिलीवरी, अपने ऑन साइट डिलीवरी, आप होटल्स में और अदर इवेंट्स में ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो और ये ब्लॉग को हम देखते हैं और इस एटमॉस्फेयर को, इस नेचर को भी थोड़ा सा फील करते हैं। और मेरे ऐसे वीडियोस को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज है हमारे आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन बता दो। तो अंकल जी से आज हम डिटेल में जानते हैं। अभी आपने यहाँ पे क्या क्या फार्मिंग कर रखा है, क्या क्या अभी डला हुआ है, सब मुझे थोड़ा डिटेल में बता दो। ये बेटा है नेपाली सरसों, नेपाली सरसों, नेपाली सरसों, इसकी भी फोटो ले लो। ओके, वो देसी सरसों है। हाँ हाँ, हरा लहसुन है मेरे पास। हाँ, ये नेपाली। इधर आ जाओ, आ जाओ, वक्त चाहिए ले लो। ये ग्रीन गार्लिक नहीं, हरा लहसुन। उधर हरी धनिया बेटा, अच्छा ले लो, सैंपल ले लो, कोई कीड़ा नहीं लगा होगा पक्षे, मैं दवाई की स्प्रे करता हूँ ना। इसका नाम लेमन ग्रास है। ओके, आ जाओ। इसमें इतना बीज है 50-60 हज़ार का। अंदर आ जाओ, अंदर से पूछो। यार इसमें सामान तो कांटेक्ट के थ्रू वेंडर्स आते ना, वो देते हैं। ये सैलरी है, इसको लगाएंगे डीएपी वगैरह डाल के। ओके, हाँ ब्रोकली, ये ब्रोकली के स्प्राउट्स है। ये लीक है बेटा, ये भी पौधे पौधा है, पौधा लेटुस और राइडर का। अब रुक जा, ये लीक है, इसको लीक बोलते हैं, डंडा जैसी होगी, प्याज जैसा गंठा होगा। हाँ हाँ, लीक कहते हैं। ये राइडर का आइसबर्ग है, क्लियर ना, राइडर आइसबर्ग। ये तो गार्निशिंग में यूज होता है। हाँ लेटुस, हाँ इतना भारी होगा, बंद गोभी देगा। अभी ये बीज है, अभी बीज है, पीला सलाद, वो पार्सली है, चलो उधर खिंचा दें। पीला सलाद, वो पार्सली है, चलो उधर खिंचा दें। पीला सलाद, वो पार्सली है, चलो उधर खिंचा दें।
लाल सलाद है, इसको लोला रोसा कहते हैं। ठीक है बेटा, आ जा। सत्तर हजार का बीज है इसी एरिया में। सारी ब्रोकली खड़ी है, तीन चार बीघा में। आगे आगे कहाँ पर चलो चलो बेटा। चीज बढ़िया लगाता हूँ, ये नहीं डुप्लीकेट जो मोटा दाना वाली ब्रोकली हो। इतने दो महीने में हो जाता है नहीं, और केवल फूल लड़ियों के लिए। चलो कलकत्ता में खेती करते हो क्या? वो भी नहीं रखते थे घरों में। मैं भी ये कहाँ मिलेगा ऑर्गेनिक खाद केंचुआ की? मेरी भी फोटो खींचे देखो, काली खाद यूज करते हैं, डीएपी यूरिया नहीं डालते हैं। यहाँ पे कई लोग हैं ऑर्गेनिक कर रहे हैं। नमक के साथ खा लीजिए, दो चार थोड़ा बेटा। हाँ थोड़ा सा तोड़ दीजिए।